हेलो एवरीवन आरएनएम एकेडमी चैनल में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है आज का जो टाइटल है टॉपिक का वीडियो का वो है क्या फॉर के फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में तो हम दोनों प्रोजेक्शन मेथड के बीच का डिफरेंस समझते हैं वन बाय वन पॉइंट लेके तो सबसे पहला पॉइंट है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मैथड में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट इज कैप्ट इन द फर्स्ट क्वार्टर हम ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वार्टन में रखते हैं फर्स्ट क्वार्टन मीन्स अबो एच पी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी फर्स्ट कॉटन की आइडेंटिटी ये है कि एच पी का ऊपर का पोर्शन और वीपी के सामने वाला पोर्शन सो अबो एच पी एंड फ्रंट ऑफ वीपी थर्ड एंगल में ऑब्जेक्ट को हम थर्ड क्वार्टन में मांगते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है थर्ड क्वार्टन में और थर्ड क्वार्टन मीन्स बिलो एच पी एंड बिहाइंड वीपी आप समझ सकते हैं प्रोजेस ऑफ पॉइंट्स में भी हमने ये चार क्वार्टन की बात की है सेकेंड पॉइंट जो है ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन आप समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को तो मुझे कहां रखना पड़ेगा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर अगर इमेज लेनी है फर्स्ट क्वार्टर में तो ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच होगा तो यहां ऑब्जेक्ट बीच में आता है एक साइड ऑब्जर्वर होता है सामने वाले तौर पर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में वैसा नहीं होता है. थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बीच में आता है एक साइड ऑब्जर्वर रहता है और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के पीछे जो है वो ऑब्जेक्ट रहता है तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन रहता है तीसरा पॉइंट द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज एज टू बी नॉन ट्रांसपेरेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर डायरेक्ट इमेज मिल जाती है तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन नॉन ट्रांसपेरेंट रहता है लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में ऑब्जेक्ट पीछे रहता है तो ऑब्जेक्ट दिखने के लिए आपका जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है वो ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है तो यहां प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज एज्यूम टू बी ट्रांसपेरेंट अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं तो उसकी इमेज नहीं मिलेगी फोर्थ पॉइंट फ्रंट व्यू इज ड्रॉन अबोव द एक्स वाई लाइन यहां फ्रंट व्यू कहां ड्रो होता है एक्स वाई लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का ही कंक्लूजन क्योंकि अबोव एच पी पोर्शन है तो अबोव एक्स वाई आएगा लेकिन थर्ड एंगल में फर्स्ट फ्रंट व्यू इज ड्रॉन बिलो द एक्स वाई लाइन क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की आइडेंटिटी है बिलो एच पी एंड बिहाइंड वीपी बिलो एच पी है तो फ्रंट व्यू बिलो एक्स वाई मिलने वाला है यहां टॉप व्यू इज ड्रॉन बिलो द एक्स वाई लाइन फर्स्ट एंगल में टॉप व्यू इज ड्रॉन बिलो द एक्स वाई लाइन क्योंकि इन फ्रंट ऑफ वीपी है यहां टॉप व्यू इज ड्रॉन अबो लाइन क्योंकि यहां बिहाइंड वीपी है लेफ्ट व्यू इज प्रोजेक्टेड ऑन द राइट प्लेन एंड वाइस वर्सा लेफ्ट व्यू राइट साइड आता है और यहां लेफ्ट व्यू लेफ्ट साइड ही आता है दिस मैथड फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मैथड इज फॉलोड इन इंडिया यूरोपियन कंट्रीज इंडिया में और यूरोपियन कंट्रीज में हम ए मैथड फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मैथड को फॉलो करते हैं और यूएसए थर्ड एंगल मैथड को फॉलो करता है तो इतने पॉइंट्स हमें याद रखने हैं डिफरेंस में आगे की बात अरेंजमेंट ऑफ व्यूज फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में कैसे होता है तो फर्स्ट एंगल की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं और फ्रंट व्यू एक बार ड्रॉ हो जाता है उसके बाद टॉप व्यू आता है तो टॉप व्यू की पोजीशन फ्रंट व्यू के नीचे आएगी याद रखें और बॉटम व्यू ऊपर आएगा और लेफ्ट हैंड साइड व्यू फ्रंट व्यू की राइट साइड आएगा और राइट हैंड साइड व्यू फ्रंट व्यू की हम जो सोचते हैं उससे गलत डायरेक्शन में व्यूज की अरेंजमेंट होती है सेंटर में रहता है फ्रंट व्यू और फ्रंट व्यू के राइट में लेफ्ट लेफ्ट में राइट टॉप में बॉटम व्यू और बॉटम में टॉप व्यू ऐसे करके इस अरेंजमेंट मिलती है तो जो सोचते हैं उससे रिवर्स में जो अरेंजमेंट है वो फ्रंट फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में है लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में जैसा सोचते हैं वैसे ही व्यूज अरेंज होते हैं सबसे पहले हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे फिर टॉप व्यू तो टॉप व्यू फ्रंट व्यू के ऊपर ही आएगा टॉप में बॉटम व्यू है तो बॉटम में ही आएगा बॉटम व्यू ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है हमारे केस में लेकिन बॉटम व्यू बॉटम व्यू में आएगा लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट साइड ही आएगा हमारी ओर से राइट साइड है तो राइट साइड आएगा तो जो सोचते हैं वैसे ही व्यूज की अरेंजमेंट होती है वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मैथड है अभी दोनों के सिंबल्स भी हम समझ लें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड की जब बात करते हैं तो टाइटल ब्लॉक में ऐसा सिंबल ड्रॉ करते हैं और थर्ड एंगल है तो सिंबल ऐसा बनता है ये सिंबल अल्टीमेटली रिप्रेजेंट क्या करता है तो मैंने एक रफ स्केच ड्रॉ करके आपको दिखा है ये कौन का कट किया हुआ पोर्शन है कौन को जैसे हम कट करते ऐसा पोर्शन मिलेगा और मान लो कि आप ये साइड से देख रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ऑब्जर्वर की पोजिशन यहां है तो सामने से जब देखेंगे तो आपको छोटा सर्कल भी दिखेगा बड़ा सर्कल भी दिखेगा तो ये फ्रंट व्यू हुआ दोनों सर्कल दिखते हैं क्लियर कट और राइट हैंड साइड व्यू ये ऑब्जर्वर की डायरेक्शन से देखे तो ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड से ऐसा दिखेगा और लेफ्ट हैंड साइड से आपको ऐसा दिखेगा तो ये राइट हैंड साइड व्यू है ये छोटी लाइन आएगी ये बड़ी लाइन आएगी और ऐसे आए तो ये छोटी लाइन बड़ी लाइन ऐसा है लेकिन राइट हैंड साइड व्यू कहां अरेंज किया है फ्रंट व्यू की लेफ्ट साइड और इसी वजह से ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड बनती है फ्रंट व्यू का फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड व्यू जो है वो लेफ्ट साइड हमने अरेंज किया है लेकिन थर्ड एंगल में ऐसा नहीं है फ्रंट व्यू तो हमने ड्रॉ कर दिया और राइट हैंड साइड भी है उसको राइट साइड ही अरेंज किया है तो ये एग्जाम्पल से आपको दोनों सिम्बोल का इम्पोर्टेंस भी पता चलेगा और हमने इस वीडियो में एक क्वेश्चन भी दिखाया है कई स्टूडेंट्स का भी क्वेश्चन है वाइवा में भी एक क्वेश्चन होता है कि वाई नॉट सेकेंड एंड फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड हम फर्स्ट और थर्ड की क्यों बात कर रहे हैं सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन मेथड और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड क्यों नहीं है तो आंसर मैंने दिखा है एज पर रूल ऑफ प्रोजेक्शन रोविशन वेनिजिन प्लेन इज रोटेटेड नाइनटी डिग्री इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन टॉप एंड फ्रंट व्यू विल लेप आप समझो कि सेकेंड एंगल या सेकेंड कॉटन की बात करते सेकेंड तो कॉटन की आइडेंटिटी क्या है अबो एच पी एंड बिहाइंडीपी अगर अबो एच पी है तो फ्रंट व्यू आपका अबोव एक्सवाई आएगा बिहाइंड वीपी है तो टॉप व्यू भी अबो एक्सवाय आएगा तो दोनों व्यूज फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू एक ही जगह इकट्ठे हो जाएंगे ई होप यू गेट माई पॉइंट और दोनों व्यू एक जगह इकट्ठे होते हैं तो ओवरलैपिंग जैसा होता है ओवरलैपिंग होता है इट क्रिएट्स अ कन्फ्यूजन हमें क्लियर कट व्यूज की समझ नहीं आती है तो वही लिखा है ओवरलैपिंग प्रोजेक्शन व्यूज क्रिएट कन्फ्यूजन इन द ड्राइंग सेकंड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम इज नॉट यूज और सेम थिंग इज एप्लाइड फॉर फोर्थ एंगल क्योंकि फोर्थ एंगल में फोर्थ कॉन्टेंट की आइडेंटिटी ये है कि बिलो एच पी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी तो दोनों व्यूज नीचे मिलने वाले हैं बिलो एक्सवाय तो अगर व्यूज की बात करें यहां तो आप देख सकते हैं कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे लाइन लाइन के XY के ऊपर या नीचे तो इट क्रिएट्स कंफ्यूजन एंड दैट्स वाई सेकेंड एंगल एंड फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड कहीं यूज नहीं होती है हम फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड ही यूज करते हैं आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे कई क्वेश्चन लेके हम आगे मिलेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू वेरी मच अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू वेरी मच